भारतीय ऑटो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा या कहले ऑटो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर तेजी के साथ ऑटो सेक्टर मार्केट एवं सड़कों पर बढ़ती जा रहे हैं। आज भी इसकी डिमांड में कोई कमी नहीं आई है। फुल इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स को ग्राहक प्राथमिकता देने लगे हैं और यही चीज भारत में लास्ट माइल कमर्शियल व्हीकल मार्केट में नया बदलाव लेकर आई है। इस भीड़ भरे बाजार में महिंद्रा ट्रियो सबसे अच्छा ई रिक्शा है जो आपके डेली बिजनेस ट्रिप के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। महिंद्रा ट्रियो डीजल सीएनजी पेट्रोल ऑटो रिक्शा की तुलना में काफी किफायती, हल्का चलाने में आसान और ऑपरेट करने में सस्ता पड़ता है। इसकी बैटरी मजबूत और टिकाऊ है और दिन भर की दौड़ भाग के हिसाब से माइलेज रेंज भी काफी शानदार देती है। इस फुल इलेक्ट्रिक ई रिक्शा के विकल्प को चुनकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रियो एक ऐसी इलेक्ट्रिक महिंद्रा ऑटो रिक्शा है जिसे भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है और ये नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा प्लेटफॉर्म पर तैयार हुआ प्रोडक्ट है। ट्रियो एक मॉडर्न और टॉप बिल्ड क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइन, पावरफुल और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, चार्ज करने में आसान और उपयोग करने में सरल सी खासियतों के साथ रहते अच्छा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है। महिंद्रा ट्रियो तीन वेरिएंट ट्रियो एसएफटी और एचआर थ्री सीटर में उपलब्ध है। ग्राहक अपनी जरूरत और आवश्यकता के हिसाब से इनमें से किसी भी एक किफायती वेरिएंट को चुन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑटो बाइक जंक्शन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज महिंद्रा की ट्रियो पैसेंजर थ्री व्हीलर की माइलेज रेंज, बैटरी कैपेसिटी, फीचर स्पेसिफिकेशन और ऑन रोड प्राइस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। क्या यह इलेक्ट्रिक ई रिक्शा आपको लेनी चाहिए या नहीं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखें। महिंद्रा ट्रियो में 48 वोल्ट की कैपेसिटी वाली बैटरी, 7.37 kWh की मॉडर्न लिथियम आयन बैटरी दी गई है जिसे स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 से 100% तक चार्ज होने में मात्र 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और दोस्तों, यह एक बार फुल चार्ज हो जाने पर 170 किमी तक बड़े ही आसानी से चलती है। ट्रियो थ्री सीटर ऑटो रिक्शा की टॉप स्पीड 45 किमी प्रति घंटा है। ट्रियो का पिक पावर 5.4 किलोवाट और टार्क 30 Nm है। इसमें डायरेक्ट ड्राइव ट्रांसमिशन दिया गया है। सवारी के दौरान आराम प्रदान करने के लिए महिंद्रा ट्रियो के केबिन में एडजस्टेबल सीट मिल जाता है। दोस्तों, सामने से लुक काफी बेहतर दिखाई देता है। व्हाइट या ब्लू कॉम्बिनेशन में गाड़ी का शानदार कलर देखने को मिल जाता है। अगर सामने के साइड की बात की जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी और चौड़ी विंडशील्ड मिल जाती है और विंडशील्ड की साफ सफाई के लिए आपको सिंगल वाइपर दिया गया है और इसी विंडशील्ड पर ऊपर की तरफ आपको इस शोरूम का नाम, ब्रदर्स ऑटो का स्टिकर और एड्रेस वगैरह देखने को मिल जाता है। महिंद्रा की यह शोरूम आपको गिदही पावर हाउस पेट्रोल पंप के सामने बस्ती में मिल जाएगा। आप यहां से महिंद्रा की कोई भी ऑटो व्हीकल खरीद सकते हैं कम से कम डाउन पेमेंट देकर। साथ ही दोस्तों, बैक साइड में देखने के लिए फ्रंट में ही आपको साइड मिरर लगा मिल जाता है व्हाइट बॉडी कलर में। यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको लाइनिंग फाइबर की पट्टी लगी मिल जाती है। साथ ही नीचे की तरफ आपको टेरो का स्टिकर लगा मिलता है। इसके थोड़ा नीचे आपको हाइड्रोजन बल्ब के साथ दोनों साइड में हेडलाइट लगे मिल जाते हैं जो कि रात के समय काफी तेज रोशनी प्रदान करते हैं। और आपको यहीं पर इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि थोड़ा उभरा हुआ दिया गया है। दोनों ही हेडलाइट्स के बीच में आपको महिंद्रा का वेजिंग देखने को मिल जाता है। काफी मजबूत व्हाइट कलर फाइबर के साथ इसका मेडगार्ड दिया गया है। दोस्तों, इस थ्री व्हीलर में आपको फ्रंट में 12 इंच के चौड़े टायर मिल जाते हैं और साथ ही फ्रंट टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ मिलता है। इसके अलावा इसमें शानदार डम ब्रेक दिया गया है जो चालक को फिसलन और दुर्घटनाओं से बचाते हैं। इस ऑटो रिक्शा में 758 किलोग्राम की GVW और 3 टायर लगे मिलते हैं। साथ ही यहां पर एक स्टेपनी भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर इसके फुल डायमेंशन को देखें तो ट्रियो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा की लंबाई 2769 mm, चौड़ाई 1358 mm, ऊंचाई 1750 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 142 mm, साथ में व्हील बेस 2073 mm का दिया गया है। ड्राइवर केबिन साइड को देखा जाए तो यहाँ पर काफी बेहतरीन लेग स्पेस देखने को मिल जाता है। साथ ही काफी खूबसूरत इसका ब्लैक कलर में डैशबोर्ड दिया गया है। कलर ऑप्शन के साथ इसका हैंडल बार मिलता है। दोस्तों, ड्राइवर सीट को अगर देखा जाए तो यहाँ चौड़ी और सॉफ्ट सीट बैकरेस्ट के साथ दिया गया है
जिस पर ड्राइवर आराम से बैठकर गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। सामने की तरफ ही आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, जिस पर हर तरह की गाड़ी से संबंधित इंफॉर्मेशन शो होता है। हैंडल बार पर आपको इंडिकेटर, हेडलाइट्स, केबिन लाइट्स और हाई और लो स्पीड मोड का स्विच, हॉर्न का स्विच लगा मिल जाता है। साथ ही मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर सॉकेट भी इस थ्री व्हीलर में लगा मिलता है। साथ ही दोस्तों पीछे की सीटिंग साइड को देखें तो यहां दोनों तरफ चौड़े सीट मिल जाते हैं बैक रेस्ट के साथ, जिस पर पैसेंजर बड़े ही सहज तरीके से बैठ सकता है। काफी जगह देखने को मिल जाती है, नीचे लेग साइड में भी अच्छी जगह देखने को मिल जाती है। यहाँ बैठने के बाद भी आप अपने पैसेंजर का कुछ थोड़ा बहुत सामान वगैरह भी रख सकते हैं। पीछे की दोनों साइड में भी आपको चौड़े 12 इंच के टायर लगे मिलते हैं। ब्लू कलर में मजबूत कैनोपी लगा मिलता है, जो पैसेंजर को धूल मिट्टी, धूप या फिर बारिश के पानी से बचाता है। दोस्तों अगर इस इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर को पीछे की साइड से देखा जाए तो यहाँ पर आपको काफी बड़ी साइज में दोनों तरफ इंडिकेटर लगे मिल जाते हैं। साथ ही आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह और यहाँ पर टीयरों का स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसके नीचे की तरफ लाल कलर में आपको रिफ्लेक्टर लगा मिलता है। हैवी बम्पर भी सेम गाड़ी के कलर में आपको यहां देखने को मिल जाता है, जो पीछे की साइड से गाड़ी के बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों अगर इसके रियर सस्पेंशन को देखा जाए तो यहां इसके रियर में लीफ स्प्रिंग रियर सस्पेंशन शामिल है। 48 kWh की इसमें शानदार बैटरी क्षमता मिल जाती है। अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए, 2,88,000 रुपए से लेकर 3,15,000 रुपए तक एक्स शोरूम प्राइस में यह मिल जाती है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 3,25,000 से 3,50,000 रुपए तक यह ऑन रोड प्राइस में आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके ऑन रोड प्राइस अलग अलग राज्यों और उनके शहरों में अलग अलग हो सकते हैं। 12 से 36 महीनों तक की आपको इस गाड़ी पर फाइनेंस मिल जाता है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप कम से कम डाउन पेमेंट यानी कि 50 से 60,000 रुपए जमा करके भी आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। बाकी का पैसा आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी अन्य गाड़ी के रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।